असलम एवरी एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ से हूँ तो आज है शबरात का दिन और आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि सब मुझे अपनी दुआओं में याद यारखिएगा और मैं भी आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और अगर मुझे कोई भी गलती हो गई हो या फिर कोई मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी तो बाकी सबके लिए हम दुआ करेंगे दूसरे एक दूसरे के लिए ये दिन Uh, बहुत ज़्यादा अफजल दिन है कर्मों वाला दिन है तो बस मैं भी तैयारी श्यारी कर रही थी कपड़े शपड़े पहन लिए और इबादत शादत करते हैं अल्लाह के से दुआ मांगते हैं तो आप भी मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखेगा तो यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता नाश्ते में पिए मैं माल्टे का जूस पीऊँगी और बस यहाँ पे मैंने बना लिया था घर में होम बनाया था तो बस यहाँ पे अब इसको पीऊँगी और उसके बाद फिर घर की जो भी रूटीन होगी फिर साथ साथ वो भी करेंगे और आपके साथ भी ना इन शेयर करूँगी तो बस ये बड़े मज़े का बना था अभी तो सीज़न जा रहा है माल्टे का तो जितनी देर हमने कहा अच्छा है तो उतनी देर तो हम पीते हैं ना तो उसके बाद ये मैं बनानी थी ग्यारहवीं शरीफ के लिए खीर बाकी मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तो दिल ही नहीं कर रहा था तो उसके बाद फिर हमने बनाए थे खीर खत्म शरीफ के लिए और साथ साथ यहाँ पे बन रही थी हंडी आलू मुंगरे बन रहे थे तो साथ साथ हम ये भी बनाएंगे और साथ साथ क्या नाम है आपके साथ बाकी भी रूटीन शेयर करेंगे वैसे तो मैंने खीर की खीर बना रही थी तो मैंने कहा चले मैं खीर ख़तम शरीफ के लिए बना रही हूँ तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ साथ साथ तो मैंने साथ साथ खीर की भी मैं आपको मैंने एक बार पहले भी पूरी रेसिपी दी थी लेकिन मैंने कहा चले जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी एक बार मैं दोबारा से अपनी रेसिपी खीर की दे देती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ यहाँ पे मैंने छः किलो दूध लिया था और उसके साथ जब इस तरह दूध को बॉयल आने लग जाए तो चावल को अच्छी तरीके से चूरा कर लेना है बिल्कुल चूरा कर लेना है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि बिल्कुल ज़रा ज़रा हो जाए इस तरह तो उसके बाद हमने मैंने आई थिंक आधा किलो गाजर ली थी तो वो इसमें डालूंगी जब चावल को थोड़ा सा ना बॉईल आ जाएगा जैसे जैसे हम इसको हिलाते जाएंगे ना मिलाई आती जाएगी दूध पे तो साथ साथ हम साइड पे करते जाएंगे और इसमें हल करते जाएंगे दूध में तो बहुत मजे की बनती है और अपने चमचा शुरू में तो हलाते रहना है क्योंकि दूध नीचे ना लग जाए ना तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ना दम दे के ना हल्की आंच पे छोड़ देंगे तो जब तक ये मतलब चावल और गाजर पकती हैं तो हल्की आग पर ना हम बिल्कुल हल्की आग पे मैंने इसको छोड़ देना है तो जैसे नेक्स्ट स्टेप आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद आ, हमने कहा चले पहले हम खाना खा लेते हैं हंडी भी यहाँ पे तैयार हो गई है फिर क्योंकि आ, आ, हमने कहा कि टाइम से खा लें वही बेहतर होता है बाद में फिर ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है वैसे भी यहाँ पे नौ बजे का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा अब पहले पतीला देख रही थी मैंने कहा पतीला सही ना पता नहीं क्या हुआ कि हमारा चूल्हा ना वो काले छो रहा है बर्तन ना काले कर देता है तो बस मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यहाँ पर मैं आपको आग दिखा रही थी बिल्कुल धीमी सी बिल्कुल हल्की सी आंच पे हमने करना है यहाँ पे बस जो दूध साथ लग रहा था पतीले के साथ वो साथ साथ मैं उतार रही थी मतलब जो मलाई साथ साथ लग जाती है ना वो उतार रही थी किस में हल्का कर रही थी क्योंकि अगर वो ना उतारो तो वो दिस्की के साथ लग जाता है तो वो जल जाती है तो यहाँ पर बस मैं प्लेट में मसाले वगैरह डाल के ले आई थी ना करेंगे यहाँ पर अपना डिनर तो जिसने भी खाना है वो भी आके खा सकते हैं अच्छा जी आपने बहुत लोगों को देखा होगा और सुना होगा बहन बहन को शबरा देती है भाई भाई को शबरा देता है माँ बेटी को देती है और माँ सास बेटी को भी बहू को भी देती है इस तरह तो हमारे में कुछ अलग सीन है मतलब यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे शबरात देते हैं माशाल्लाह से आप सब ने मेरे हसबैंड के लिए दवा करनी है इसी तरह ही कि लापा मेरे हसबैंड को लंबी ज़िंदगी दे और अपने कारोबार में बरकत दे आमीन आ, वैसे तो मेरी बहन मुझे शबरात हर साल दे के जाती है लेकिन इस बार वो यहाँ पर नहीं है वो ना लाहौर है और बीमार है इसी वजह से ना वो आ नहीं सकी तो बस उस उसी वजह से ये मतलब पैसों की वजह से नहीं होता कि कोई मतलब पैसे दे के जाए तो तब भी हमारी शबरात पूरी होती है अगर कोई बहन भाई प्यार से आके बैठ जाए पास या फिर तसली तो भी दे देना बहुत बड़ी बात होती है तो मेरी शायद मुझे तो ये खुशी भी देखना नसीब नहीं हुई अपनी मम्मा के हाथों से क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मम्मा की डेथ हो चुकी थी अला जनसीब करे तो जब ये दिन आता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ना ये फ़ील होता है बहुत ज़्यादा मम्मा की कमी ना फील होती है तो बस आप सब ने मेरी मम्मा के लिए भी बहुत ज़्यादा दवाएँ करनी है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत जन्नतपुर का मत आ करे आमीन बाकी ज़िंदगी तो है ये तो चलती रहेगी बाकी ज़ाहिर आपने मेरी बहन के लिए भी दुआ करनी है सानिया के लिए मुझसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बहनें तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं लेकिन वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती है बहुत ज़्यादा जैसे एक माँ होती है ना उसी तरह उस तरह मेरी वो केयर करती है तो लेकिन वो मेरे पास आ नहीं सकी लेकिन हमारा कॉन्टै कॉन्टैक्ट चौबीस घंटे एक दूसरे के साथ रहता है तो आई मिस यू सानिया बहुत बहुत तो यहाँ पे आलमोस्ट हमारी खीर अच्छी तरीके से तैयार हो रही थी जब हम 80 परसेंट हमारी खीर पक जाए तो फिर हमने इसमें चीनी डालनी है उससे पहले हमने चीनी नहीं डालनी क्योंकि जब हम चीनी डाल लेते हैं तो फिर वो खीर ना नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इसमें मिठास मिठास हो जाती है और घारी हो जाती है चीनी के साथ थोड़ी ना तो आपने यहाँ रखना है कि खीर में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना जब हम पानी नहीं डालेंगे तो खीर बहुत अच्छी बनेगी तो यहाँ पे कोई रात के ना दो ढाई भज रहे थे तो मेरी खीर यहाँ पे तैयार हो रही थी तो बस यहाँ पे ढाई बजने वाले थे तो मैंने फटाफट मैंने कहा जल्दी कर ले नींद बहुत ज्यादा आई हुई थी मुझे तो मैंने कहा उस बोट के फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है यहाँ पे मैंने कद्दू वो जो हैंड मेशर वाला कद्दू का है ना उससे मैंने ब्रीक ब्रीक खोपड़ा और बादाम को ना बादाम को तो मैंने खुद हाथों से कट किया था और मेशर से ना मैंने वो, वो खोपड़े को भी कट कर लिया कि इस तरह भ्रीक भ्री को होना बड़ा अच्छा लगता है इसमें मैंने कोई इलायची वगैरह नहीं डाली क्योंकि मैं खीर में इलायची वगैरह नहीं डालती ना ही कोई खोया कोई कुछ नहीं सारी चीज़ें नहीं डालती बिल्कुल प्लेन दूध होता है मतलब अगर हम दूध को अच्छी तरीके से पकाएं तो खीर बहुत अच्छी बनती है अब ये देख तो खीर बनाने के बाद मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख तो मैंने कहा अभी तो ख़त्म नहीं दिया था तो नहीं खाने थी तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चले मूँगफली पड़ी हुई है तो यहाँ यही छील के खा लेती हूँ तो बस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा अभी टाइम भी थोड़ा सा रह गया तो अभी सो जाती हूँ तो फिर मैंने यहाँ पर मूंगफली को पील किया छीला और उसको खाया बड़ा मज़ा आया मुझे तो फिर उसके बाद मैं सो गई थी तो सुबह उठ के मॉर्निंग में फिर मैंने उठ के देखा खीर तो माशा से बड़े मज़े की लग रही थी शक्ल हमारी ना माशाला से तो यहाँ पे अब देखिए मलाई इसके ऊपर जो मलाई आती है ना खीर के ऊपर सही इसकी टाइम जो मोटी वाली आई हुई थी बड़े मज़े की बनी थी जो जिसने भी खीर खाई उसने बहुत बहुत तारीफ़ की थी खीर की माशाल्लाह से बनी बहुत मज़े की थी अगर आप ही इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी और बताइएगा कि आपको मेरी ये खीर की खीर की रेसिपी किस तरह लगी और बस यही था मेरा आज का व्लॉग बस यहाँ पे ख़त्म दूंगी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी खेल की रेसिपी कैसी लगी और बाकी अब नेक्स्ट व्लॉग मैं यहीं से ही स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि मेरे भाई की शादी आ रही है आपको बताया था मैंने पिछले व्लॉग में और दो तीन दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला मिस किया मेरी तबीयत नहीं थी ठीक तो अब नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ मैं शॉपिंग का ही शेयर करूँगी तो आपने अब कहीं नहीं जाना वेट करना है मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का तो तब तक के लिए हाफिज